सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग किरा। और हम जा रहे हैं आज फिर से थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए एंड हमारी बिल्ली रेडी है। सो आज आई अगेन टेक अ मैजिक वंडर एंड दिस इज हाउ शी इज। गर्मियां डिक्लेयर करती है। यू हैव सो मेनी पॉकेट्स जस्ट लाइक मी माय जींस। यस यू आर रेडी। Where is space for me? Go in the corner. Take your colors and go away. We did lunch at Denny's and a bit of shopping at Walmart and we got our first plant. So, देखते हैं how it goes. बैंगलोर में हमने प्लांट्स रखे थे इनिशियली। आई थिंक उस टाइम मैं व्लॉग नहीं करती थी बट हमारे घर में ना कुछ सीजन्स में बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी तो उस चक्कर में मेरे प्लांट्स मर गए थे। उसके बाद फिर मैंने रखे नहीं तो यहाँ पे तो धूप अच्छी खासी आती है। सो आई एम प्लानिंग थोड़े प्लांट्स रखेंगे। सो वी केम टू द फर्नीचर शॉप अगेन और यहाँ पे ये गेम्स भी हैं फॉर सेल और ये लगी हुई है मैडम खेल। सो हाउ इज दिस द बॉल विल कम हेयर इन अ वेट आई वांट टू शूट वेट ओके येलो रतन है स्टार्ट यस ओके लेट द बॉल कम द बॉल इज हेयर विल जस्ट डू लाइक दिस एंड द बॉल विल गो देयर 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 समवेयर हियर ये ओके जी। सो आज है संडे और आज हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने गए थे। एक मार्केट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे वॉलमार्ट और ब्रिक्स दोनों पास पास में है। ब्रिक्स एक फर्नीचर स्टोर है जहाँ से हमने ये अपना क्या लिया था सोफा लिया था रिक्लाइनर वाला वो लिया था और हमारा मैट्रेस भी हमने वहीं से लिया था। तो अब हम वहाँ से बेड फ्रेम के लिए बोल कर आए हैं। मतलब ऑलरेडी हमने प्री पेमेंट किया हुआ था काइंड ऑफ ब्लॉक कर लिया था ताकि हमें सेम प्राइस पे मिल जाए बाद में क्योंकि कुछ डिस्काउंट चल रहा था तो बट अभी हमें लेना नहीं था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। नहीं एक्चुअली हमें ना एक कार्ड बनवाना था जिसके लिए एक क्या बोलते हैं ये कनाडा का आईडी चाहिए था तो हमारे पास था नहीं उस टाइम पे कुछ तो हमने ब्लॉक करवा दिया था ताकि हम बाद में सेम रेट पे उसको ले सकें। तो कल हम वो बुक करवा के आए हैं और छोटी मोटी चीज़ें वॉलमार्ट से लेने वाली थी वो ले ली और फिर वहाँ पे डेनिस भी था तो वहाँ पे बर्गर खा लिया। वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको मतलब वेज बर्गर मिल जाता है नाम भूल गई मैं उसका बट अच्छा था। और एक पंजाबी आंटी मिली उन्होंने सॉसेज वगैरह बता दी थी कुछ यहाँ पे सॉसेज में भी बीफ होता है और हर बर्गर में ना वो पॉप डाल देते हैं बीकन तो वो सब उन्होंने बता दिया था कि ये सब मत डलवाना तो मैंने नहीं डलवाया और वी हैड अ ग्रेट टाइम। कुछ अच्छे लोग मिले तो जो भी हमें कैब्स में मिल जाते हैं लोग मोस्टली इंडियंस पंजाबीज बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सबसे मिल के। और बस फिर हम घर आ गए। अब कल है मंडे तो कल से फिर से हम शुरू हो जाएंगे अपने दिनचर्या के लिए और कल आई एम प्लानिंग दैट आई शूट मतलब मेरा कैसा रूटीन रहता है विद ऑफिस एंड आई शेयर विद यू क्योंकि मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कैसा रूटीन रहता है वर्क फ्रॉम होम में कैसे मैनेज करते हो एंड ऑल। तो कल का दिन इस पे रेडी। सो विद दिस आज का व्लॉगिंग पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल ट्रैवलिंग किरा। बाय बाय।